बिहार की कास्ट सर्वे का आंकड़ा सामने आने के बाद देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना की चर्चा शुरू हो गई है। चुनावी राज्यों में भी विपक्षी दलों ने इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी इससे दूरी बनाए हुए नजर आ रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर नजर डालें तो ब्राह्मण, आदिवासी, दलितों के साथ उनका ओबीसी वोट बैंक बड़ा है। बीजेपी को ओबीसी के यादवों जैसे बड़े तबके के बजाय उन जातियों का वोट ज्यादा मिला है जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन ये छोटे छोटे समूह मिलकर एक बड़ी आबादी बन जाते हैं। साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी संस्थानों में दाखिले के लिए रिजर्वेशन का सुझाव दिया गया था। इसके बाद देश में खासतौर से उत्तर भारत में राजनीति में बदलाव आया और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की कड़ी मेहनत के चलते बीजेपी ने 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव जीता। उस वक्त बीजेपी नीट NDA सरकार बनी, लेकिन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तब भी ज्यादा था। 1998 और 1999 में क्षेत्रीय दलों को 35.5% और 33.9% वोट मिले हैं। जब साल 2004 और 2009 में UPA की सरकार आई तो क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत 39.3%, 37.3% रहा। इतना ही नहीं, 2014 में भी इन पार्टियों का वोट प्रतिशत 39% था जबकि बीजेपी को 31% वोट मिले और NDA की सरकार बनी थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला और क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत 26.4% पर पहुंच गया जबकि बीजेपी के लिए ओबीसी जातियों का वोट बैंक बढ़ा। CSDS का आंकड़ा बताता है कि चुनाव दर चुनाव किस तरह ओबीसी वोटों का मूड बदला है और बीजेपी मजबूत होती चली गई है। 2009 के चुनाव में सिर्फ 22% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी को वोट किया था। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।